हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही कम खर्चे में घर पर बहुत ही आसान तरीके से बनाया हुआ ढाबा स्टाइल मसाला कॉर्न की रेसिपी। सबसे पहले हमें चाहिए स्वीट कॉर्न, तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप जितना और वजन में 250 ग्राम जितना स्वीट कॉर्न लिया है। इसे मैंने 5 मिनट के लिए पानी में थोड़ा सा हल्दी डालकर उबाल कर लिया है। अब सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर एक पैन, उसमें डालेंगे 2 चम्मच बटर, और बटर हमारा जले नहीं इसलिए हम उसमें ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल। जैसे ही तेल हमारा गर्म होता है हम उसमें ऐड करेंगे जीरा, बारीक कटा हुआ लहसुन, साथ ही में बारीक कटा हुआ यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अदरक लिया है, साथ ही में मैंने यहाँ पर 2 तीखी वाली हरी मिर्च, इसे भी मैंने बारीक चॉप करके लिया है, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। साथ ही में मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज की प्याज, इसे भी मैंने बारीक चॉप करके लिया है, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। प्याज को हम मीडियम टू हाई गैस के फ्लेम पर पकाएंगे और इसे हम कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे। यहाँ पर प्याज को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका कलर चेंज होके हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाता। 2 से 3 मिनट तक प्याज को कंटिन्यूअसली चलाने पर आप देखोगे कि अब प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो चुका है, तो इस टाइम पर हम उसमें ऐड करेंगे बेसिक से मसाले। गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे और अब हम उसमें मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं उसमें ऐड करूंगी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, वो मैं इसमें ऐड करूंगी। 1 टेबल स्पून जितना हम उसमें धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे, और यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून जितना रोस्टेड जीरा पाउडर लिया है, वो मैं इसमें ऐड करूंगी। अब हम मसाले को तेल में अच्छे से पकाएंगे ताकि इसका कलर अच्छा आए और इसका टेस्ट है वो एकदम ढाबा स्टाइल आए। यहाँ पर हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि मसाला ऐड करते वक्त गैस की फ्लेम को हमें लो रखना है ताकि मसाले हमारे जल ना जाए। अब मैं उसमें ऐड करूंगी टमाटर, तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर को बारीक चॉप करके लिया है, और साथ ही में मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज का टमाटर की प्यूरी बना कर ली है, वो मैं इसमें ऐड करूंगी। और यहाँ पर हमारा टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए इसलिए हम उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। और अब हम टमाटर को अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पर टमाटर पकाते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है, हाई गैस की फ्लेम पर हमें इसे नहीं पकाना है। यहाँ पर मैंने बारीक कटे हुए टमाटर और टमाटर की प्यूरी दोनों का इस्तेमाल किया है। टमाटर के टुकड़े हमारी ग्रेवी को एक दरदरा टेक्सचर देगा, और टमाटर की प्यूरी है वो हमारी ग्रेवी को एक स्मूथ टेक्सचर देगा। आप चाहो तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लिए इस ग्रेवी को ढककर पका सकते हो। आप देख सकते हो कि हमारी ग्रेवी में से तेल है छूटने लगा है, और साथ ही में हमारा जो टमाटर है वो अच्छे से स्मूथ होके मैश हो रहा है, यानी कि हमारा टमाटर है वो अच्छे से पक चुका है। अब हम उसमें ऐड करेंगे व्हाइट पेस्ट, तो व्हाइट पेस्ट के लिए यहाँ पर मैंने थोड़े से भिगोए हुए काजू, साथ में थोड़े से मगजतरी के बी, थोड़ा सा दूध और घर की मलाई को मैंने अच्छे से स्मूथ पेस्ट बना कर लिया है, वो मैं इसमें ऐड करूंगी। ये जो व्हाइट पेस्ट है वो हमारी ग्रेवी को थोड़ा सा क्रीमिनेस देगी और साथ ही में टमाटर के खट्टे टेस्ट को बैलेंस करेगी। व्हाइट पेस्ट ऐड करने के बाद हमें कंटिन्यूअसली ग्रेवी को अच्छे से चलाते रहना है। यहाँ पर हमें उसे अच्छे से चलाना है ताकि वो नीचे चिपक ना जाए। 3 से 4 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि अब हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छे से पक चुकी है, तो इस स्टेज पर हम उसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करेंगे। इस तरह से ठंडे पानी की जगह थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करने से हमारी जो कुकिंग प्रोसेस है वो भी कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, और जो हमारे मसाला की फ्लेवर है वो भी कायम रहेगी।
अब हम ग्रेवी में ऐड करेंगे बॉईल किए हुए कॉर्न और साथ ही में यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जितनी कसूरी मेथी ली है। इसका टेस्ट हमारी सब्जी में बहुत अच्छा आता है और साथ ही में थोड़ा सा हम उसमें गरम मसाला ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारे इस स्वीट कॉर्न में मसालों की फ्लेवर है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, इसलिए अब हम उसे ढककर पकाएंगे। तो यहाँ पर हम उसे ढक देंगे और 5 से 6 मिनट के लिए हम उसे लो गैस की फ्लेम पर पकाएंगे। 5 से 6 मिनट हो चुकी है, अब हम हमारी सब्जी को चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी सब्जी में से अच्छे से तेल है वो छूटने लगा है, यानी कि हमारी सब्जी है वो अच्छे से पक चुकी है। यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ धनिया और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ढाबा स्टाइल एकदम टेस्टी और क्रीमी मसाला कॉर्न बनकर अब रेडी है, अब हम उसे सर्व कर लेंगे। तो है ना, कॉर्न की सब्जी को बनाना बहुत ही आसान तरीका। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ और तब तक के लिए बाय बाय।